हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट ईवीएस स्टूडेंट टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर एटीन वाटर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस मतलब कि वाटर अलग अलग जगह से व्हाट टू ड्रिंक क्रीपल वाज रीडिंग हर बुक व्हेन शी हर्ट समवन एट द डोर क्रीपल अपनी बुक रीड कर रही थी तभी उसने किसी के आने का आवाज़ सुना समवन एट द डोर शी सो दैट देर वॉज ए गेस्ट उसने क्या देखा कि वहाँ पर कौन थे मेहमान थे गेस्ट मतलब मेहमान फादर वेलकम द गेस्ट फादर ने जो गेस्ट थे उनका वेलकम किया ही टोल्ड रूचन टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हीम उन्होंने रूचन से क्या कहा कि जो मेहमान आए हैं उनके लिए क्या लेकर आना है कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आना है द गेस्ट सेड आई विल नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स गेस्ट ने क्या कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर मुझे सिर्फ पीने का पानी चाहिए फादर सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग फादर ने क्या कहा कि दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज स्वीट फॉर ड्रिंकिंग हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा है जो पीने लायक होता है पानी वो हमें नहीं मिल रहा है इट डज नॉट इवन लुक क्लीन और वो एकदम साफ नहीं है इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर अगर अच्छा रहेगा कि आप ऐसा पानी ना पियो तो We do not have a choice, so we drink it. हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और कोई दूसरी चॉइस नहीं है इस वजह से हम वो पानी पीते हैं नेक्स्ट डिस्कस हाउ डज कंटामिनेटेड और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी जो कंटामिनेटेड डर्टी वाटर होता है वो हमारे बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं सो आंसर इज contaminated or dirty water contains trash, dust, and germs. Drinking such water can cause waterborne disease like cholera, typhoid, diarrhea, and skin diseases. Thus we can fall sick if we drink contaminated or dirty water. मतलब कि कंटामिनेटेड और डर्टी वाटर पीने से हमारी वाटर हमारी बॉडी को जो वाटर से होने वाले डिजीज़ है वो हो सकते हैं जैसे कि कॉलेरा टाइफाइड, डायरिया और स्किन डिजीज ऐसे सारे डिजीज़ हमारी बॉडी को हो सकते हैं जिस वजह से हम बीमार हो सकते हैं नेक्स्ट डू यू नो एनी वन वू हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर टॉक अबाउट दिस क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति को जानते हो जो कंटामिनेटेड और डर्टी वाटर की वजह से बीमार हुए हैं तो उसके बारे में आपको बात करनी है टॉक अबाउट दिस येस माई क्लासमेट एंड माई फ्रेंड रसिक वंस फेल सिक बिकॉज ही ड्रंक सम कंटामिनेटेड वाटर हमारा जो फ्रेंड है वो कंटामिनेटेड वाटर पीने की वजह से बीमार हुआ था

Thought he should not drink such water. What do you think? Ripple's family must be doing for their own drinking water. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जब भी ripple के घर पर गेस्ट आए थे तो उन्होंने जो गेस्ट थे उन्हें क्या ऑफर किया था कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया था बिकॉज दे थाट ही शुड not ड्रिंक सच वाटर क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि वो ऐसा गंदा पानी नहीं पियेंगे वॉट डू यू थिंक क्रीपल्स फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ओन ड्रिंकिंग वाटर तो जो क्रीपल की फैमिली है वो क्या सोच रही थी ड्रिंकिंग वाटर के बारे में सो आंसर इज क्रीपल्स फैमिली शुड बॉयल वाटर एंड मेक इट ड्रिंकेबल और दे शुड मेक द वॉटर जम फ्री बाई एडिंग क्लोरिन और पोटेशियम पर मैंगनेट टेबलेट्स टू इट बिफोर ड्रिंकिंग इट तो वो पीने का पानी जो अच्छा नहीं आता था तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे तो उनकी जो फैमिली है क्रीपल की जो फैमिली वो के पहले क्या करती थी क्या करती होगी पहले पानी को गर्म करती होगी बॉयल करते होंगे फिर उसके अंदर जम्स फ्री बनाने के लिए वो पानी को क्लोरीन और पोटेशियम परमेंगेनेट्स के टैबलेट्स उसके अंदर डालते होंगे बिफोर ड्रिंकिंग इट नेक्स्ट द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स वाई डू यू थिंक ही सेड दिस गेस्ट ने ऐसा क्यों बोला होगा कि वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं तो वाई डू यू थिंक ही सेट दिस तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा सो आंसर इज कोल्ड ड्रिंक्स आर हार्मफुल टू हेल्थ जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए कैसे है नुकसानदाई है देन हार्म अवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन सो द गेस्ट रिफ्यूज टू हैव अ कोल्ड ड्रिंक जिसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उससे हमारा स्टमक और जो इंटेस्टाइन है वो क्या होगा रिफ्यूज होगा मतलब कि वो उससे हार्म होगा नुकसान होगा इस वजह से उन्होंने मना किया होगा कोल्ड ड्रिंक पीने से नेक्स्ट वाटर गेम्स अभी क्या है वाटर की गेम्स है देर वेर बिग वाटर पार्क इन नॉर्थ गुजरात नॉर्थ गुजरात में बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है वन डे सचिन एंड नीरू वेंट टू वाटर पार्क विद देयर पेरेंट्स एक दिन सचिन और नीरू अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए थे देर वैर मैनी वाटर फाउंटेंस वहाँ पर बहुत सारे वाटर फाउंटेंस मतलब कि पानी के फवारे थे नीरू सेड लुक सचिन देर आर सो मैनी राइड्स इन द वॉटर नीरू ने क्या कहा कि देखो सचिन यहाँ पर बहुत सारी पानी की राइड्स है लुक एट ऑल दिस बिग पॉइंट्स उसने क्या कहा कि देखो यहाँ पर कितने बड़े बड़े पॉइंट्स है सचिन सेड स्प्लैश प्लैश बोट टर्न अराउंड सचिन ने क्या किया पानी के अंदर जंप लगाया स्पलैश स्प्लैश बोट टर्न अराउंड दे अ लॉन्ग थिक वाटर हॉज गोइंग जूम जूम उन्होंने क्या देखा था दे सो अ लॉन्ग थिक वाटर हॉज उन्होंने क्या देखा था एक बड़ा सा वाटर हॉज देखा था सचिन वेंट अप सो हाई ऑन द स्लाइड सचिन स्लाइड के ऊपर बहुत ही ऊपर चढ़ा था विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन द वॉटर वुश नीर गिव श्रिंक ऑफ सरप्राइज तो सचिन है वो बहुत ही ऊपर तक गया था स्लाइड पर चढ़कर और फिर वो क्या हो गया विद इन अ सेकेंड ही हैड लैंडेड इन अ वाटर वाटर के अंदर वो एक सेकेंड में मतलब कि विद इन अ सेकेंड पूरी सेकेंड भी नहीं हुई और वो वाटर के अंदर क्या हो गया लैंडेड हो गया नीरु गेव अ श्रिंक ऑफ सरप्राइज तो नीरू को क्या सरप्राइज हुआ वो आश्चर्यचकित हो गई थी जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क और वो उन्होंने क्या सुना था बहुत सारा आवाज़ सुना था आउटसाइड द पार्क पार्क के बाहर से वो लोग बहुत सारा आवाज़ उन्हें सुनाई दे रहा था एवरी वन रेन टूवर्ड्स द मेन गेट सब लोग किस तरह भाग रहे थे मेन गेट की तरफ भाग रहे थे देर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल कैरिंग एमटी बकेट्स एंड पोट्स तो जो पीपल थे वो क्या लेकर आए थे कैरिंग एम टी बकेट्स एंड पोट्स खाली बकेट्स और पोट्स लेकर आए थे ए स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एंड एम टी बॉटल वॉज क्लिनिंग टू हीज मदर क्लिंगिंग टू हीज मदर और जो छोटे बच्चे थे वो क्या लेकर आए थे खाली पानी की बॉटल्स लेकर आए थे सचिन मदर वेन टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड वॉट इज़ द मैटर शी आस्कड और सचिन की जो मदर है उसने वहाँ पर जो क्राउड में बहुत ही भीड़ थी वहाँ से एक लेडी को पूछा एक वुमन को पूछा कि क्या बात है तो देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ द वुमन रिप्लाइड एंग्रीली वुमन ने गुस्से से क्या बोला यू आर आस्किंग वॉट इज द मैटर आप हमें पूछ रहे हो कि क्या बात है अवर वेल्स हैव नो water. हमारे जो वेल्स हैं मतलब कि जो कुएं हैं उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है वी गेट अवर वाटर ओनली when द टैंकर कम्स वंस ए वीक हमें अपना पानी कब मिलता है जब भी हफ्ते में एक बार टैंकर आती है तभी ही हमें अपना पानी मिलता है इवन टूडे दैट हैज़ नॉट कम आज भी वो आई नहीं है एंड हियर देर इज़ सो मच वॉटर एवरीवेयर जस्ट फॉर यू टू प्ले एंड एन्जॉय और यहाँ पर बहुत सारा पानी है सिर्फ आपके खेलने के लिए और आपको एन्जॉय करने के लिए टेल मी व्हाट शुड वी डू तो बताओ कि हम क्या करें व्हाट शूड वी डू नेक्स्ट रीड एंड राइट हैव यू एवर फेस्ड scarcity of ऑफ वाटर इन योर हाउस क्या आपने कभी भी पानी की तकलीफ़ मतलब कि जो स्कैरसिटी होती है वो आप लोगों ने महसूस की है उसका सामना कभी आप लोगों ने किया है अगर किया है तो कभी किया है येस वैन द मदर ये सॉरी येस वैन द मोटर दैट फील्स वाटर इन द ओवर टें ब्रोक डाउन एंड अनदर टाइम वैन देर वॉज अज पोर्ट होल इन द पाइपलाइन दैट ब्रिंक्स वॉटर तो यहाँ पर आंसर क्या है हाँ हमने ऐसा जो पानी का प्रॉब्लम है वो फेस किया है तो कभी किया है जब भी मोटर खराब हो गई थी जो ओवर हेड टैंक है और ओवरहेड टैंक है उसको भरती है द मोटर फिल्स वाटर इन ओवरहेड टैंक ब्रोक डाउन वो टूट गई थी तभी एंड अनदर टाइम और दूसरी बार कभी फेस किया था तो जब भी जो पाइपलाइन होती है उसमें बड़ा सा होल हो गया था ह्यूज पोर्ट होल इन द पाइपलाइन दैट ब्रिंग्स वाटर जो पानी लेकर आती है पाइपलाइन उसमें बड़ा सा होल हो गया था तभी हमने पानी का प्रॉब्लम फेस किया था नेक्स्ट वॉट डिड यू डू देन तो आप लोगों ने क्या किया था सो आंसर इज वैन सच अचुएशन अराइज अवर सोसाइटी ऑर्डर फॉर अ वाटर टैंकर तो हम लोगों ने क्या किया वॉटर टैंकर को मंगवाया था हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेर एंड वैन क्या आप लोग कभी पानी में खेले हो अगर खेले हो तो कभी और कहाँ पर खेले हो सो आंसर इज येस वेन वी गो टू द विलेज ड्यूरिंग द समर वैकेशन समर वेकेशन में जब भी हम गाँव में गए थे वी गो टू द फील्ड विथ अवर ग्रैंड फादर हम हमारे दादा के साथ फील्ड मतलब कि खेत में गए थे देर वी प्ले इन द वॉटर दैट कम्स फ्रॉम द बोरवेल और बोरवेल में से जो पानी आता है तो वहां पर हम खेले थे हैव यू एवर सेड नो टू प्ले इन वाटर वाई क्या आपने पानी में खेलने से कभी मना किया है अगर किया है तो कभी किया है सो आंसर इज येस आई सेड नो टू प्ले इन द डर्टी वाटर दैट फिल्स अप द पोर्ट होल इन द रोड ड्यूरिंग द रेनी सीजन हाँ हमने मना किया है तो कभी मना किया है जो डर्टी वाटर्स होते हैं मतलब कि रोड के ऊपर रेनी सीजन में जब भी पोर्ट होल्स होते हैं उसके अंदर जो डर्टी वाटर्स होता है वो भर जाता है तो वहाँ पर खेलने से हमने मना किया है तो क्यों मना किया है आई रिफ्यूज बिकॉज इफ हैंड्स आर नॉट वॉश प्रॉपरली आफ्टर प्लेइंग इन सच डर्टी वाटर वन कैन ईजीली सफ़र फ्रॉम वाटर डिजीज लाइक कॉलेरा टाइफॉइड एक्सेट्रा तो अगर हम ऐसे पानी में खेलने के बाद अच्छे से जो हैंड्स है उसे वॉश नहीं करेंगे तो क्या होगा डर्टी वाटर की वजह से हमें बीमारी हो सकती है जैसे कि पानी से होने वाली बीमारी है लाइक कॉलेरा और टाइफॉइड तो ऐसी बीमारी से ऐसी बीमारी हमें हो सकती है इस वजह से हमने वैसे गंदे पानी में खेलने से मना किया है नेक्स्ट हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया डिस्कस क्या आपने कभी आपके एरिया में पानी को वेस्ट होते हुए देखा है अगर देखा है तो कभी देखा है आंसर इज यस देर आर मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी वू वेस्ट वाटर बाय स्प्रिंकलिंग इट इन देयर यार्ड्स टू स्टॉप डस्ट फ्रॉम राइजिंग एंड अल्सो ड्यूरिंग द समर सीजन टू मेक द समथिंग कूल अपार्ट फ्रॉम दिस वैन वाटर इज अलाउड टू फ्लो फ्रॉम टैप्स वाइल वेस्टिंग यूटेंसिल्स सॉरी वॉशिंग यूटेंसिल्स और क्लोथ्स अलॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड तो हाँ हमने पानी का जो वेस्ट है वो देखा है तो कभी देखा है तो हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारे पीपल है तो उनके जो घर के आंगन में जो डस्ट है वो उड़ती है तो उसे उड़ने से रोकने के लिए वो पूरा पानी अपने यार्ड में स्प्रिंकल करते हैं और फिर जब भी समर सीजन में ये जो हमारा आजू बाजू का जो एरिया है वो गर्म हो जाता है तो उसे कूल करने के लिए सराउंडिंग को कूल करने के लिए पानी डालते हैं और उसके अलावा जो टैप्स है वॉशिंग तो बर्तन धोने के टाइम और कपड़े धोने के टाइम जो टैप्स है उन्हें खुला ही छोड़ते हैं तो इस वजह से बहुत सारा पानी का वेस्ट होता है नेक्स्ट द Water park had a lot of water to play, but the nearby village people did not have water even to drink. थिंक अबाउट एंड डिस्कस तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि वाटर पार्क में बहुत सारा पानी है एंजॉय करने के लिए बट जो आजू बाजू के जो विलेज के पीपल हैं उनके लिए बिल्कुल भी पानी नहीं है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सो आंसर इज़ बोथ दीज फैक्ट आर रियालिटीज़ ये दोनों ही क्या है रियालिटीज़ है हावेवर सच अ थिंग शुड नॉट हैपन ऐसी चीज ना हो इस वजह से क्या करना चाहिए बिकॉज सच अ लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड इन अ वाटर पार्क जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फन एंड पीपल इन नियर बाई विलेज आर डिस्पर्टेड फॉर इवन अ लिटल बीट ऑफ वाटर इज नॉट राइट तो वाटर पार्क में क्या होता है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट और फन के लिए बहुत सारा पानी का वेस्ट किया जाता है और जो आजू बाजू के विलेज के पीपल है उनके लिए थोड़ा सा भी पानी नहीं होता है द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट डू समथिंग टू रीच वाटर टू द विलेज तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें कुछ करना चाहिए कि विलेज के जो पीपल है उनके तक पानी पहुँच सके दाटर पार्क शुड बी गिवन परमिशन टू रिमेन ओपन ओनली द सर्टेन डेज ड्यूरिंग द वीक और वाटर पार्क को सिर्फ हफ्ते में कुछ ही दिन में कुछ ही दिन तक जैसे कि हफ्ते में एक या दो दिन या फिर तीन दिन ऐसे ही वाटर पार्क को खुला छोड़ने की परमिशन देनी चाहिए ना कि हफ़्ते में रोज़ उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए कि जिससे पानी का बहुत ही वेस्ट हो सके नेक्स्ट इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वॉटर कम्स टू पार्क आप वाटर पार्क में जाते हो तो क्या आपने कभी फाइंड किया है कि वाटर पार्क में पानी कहाँ से आता है वी हैड गॉन टू अ वाटर पार्क ऑन मेकिंग इंक्वायरीज वी कैम टू नो दैट देर इज़ ह्यूज बोरवेल फॉर वाटर इन द फॉर वाटर इन द वॉटर पार्क इट्स सेल्फ तो हम जब ही गए थे तो हमने इंक्वायरी की थी तो हमें ये जानने मिला था कि वाटर पार्क में पानी को लाने के लिए बड़ा सा बोरवेल बनाया गया है जो वाटर पार्क ने खुद ने पर्सनली बोरवेल बनाया था पार्क गॉट वाटर फ्रॉम दिस वेल अपार्ट फ्रॉम दिस सम वाटर वॉज मेड अवेलेबल थ्रू अ नर्मदा पाइपलाइन टू उसके अलावा नर्मदा पाइपलाइन से भी पानी आता था सो so स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा we will see next part in next video okay student thank you bye bye